जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रवात के तहत 7 मॉर्निंग वॉक पर निकले पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने पहले और भ्रमण करने आए लोगों को गुड मॉर्निंग बोलने के साथ ही उन्हें होने वाली परेशानियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के नौका विहार पर बाइकर्स द्वारा तेज रफ्तार और बेतरतीब गाड़ी चलाने को लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर ने लगभग 2 दर्जन गाड़ियों पर विधिक कार्रवाई की और बाइकर्स से यातायात नियमों का पालन करने का निर्देश भी दिया। अपाची वाले कौन है? अच्छा यही वाली है? नहीं सर, वो था रहे थार। बोलो सर, कौन है? गाड़ी सर लगा के सर, गाड़ी किस इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, बिना किसी कागज के ये लोग अपनी गाड़ी लेकर घूम रहे थे शहर क्षेत्र में, तो जो चेकिंग अभियान चलाया गया है और सुबह गुड मॉर्निंग गोरखपुर के अंतर्गत भी जो लोग बाइकर्स गुड मॉर्निंग जो वॉकिंग करते हैं उन लोगों को परेशान करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं लोग बाइकर्स रामगढ़ताल के आसपास, तो कुछ गाड़ियां वहां पकड़ी गई थी, कुछ चेकिंग अभियान में पकड़ी गई हैं और आज शाम भी ऐसा अभियान चलाया जाएगा जिसमें जो भी बाइकर्स बिना कागज़ के तेज़ गति से बाइकिंग कर चला रहे हैं उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में ये पुलिस लाइन में सारी गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं, उनके कागजात को वेरीफाई किया जा रहा है, बैरेज चेकिंग ऐप पे इनकी एंट्री बनाई जा रही है ताकि भविष्य में अगर दोबारा ये इस तरह की गलती करते हैं तो इन पे और भी सख्त कार्रवाई की जाए। सर, बैरेज ऐप के बारे में सर अपने जो पुलिस विभाग के लोग उनको जागरूक भी किया जाए? देखिए, इसके पुलिस विभागों की एक मीटिंग की गई थी व्हाइट हाउस पुलिस लाइन्स में, कल DIG महोदय ने BPOs की मीटिंग की थी, उसमें भी इसका प्रेजेंटेशन दिखाया गया था और सभी इंस्पेक्टर CEOs नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के नॉर्थ क्षेत्र के जो भी थे उन सबको ब्रीफ किया गया है और ये पूरे जनपद में लागू कर दिया गया।